हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल श्वेता में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करना है। आखिर सच क्या है? क्या सच में फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होती है या नहीं? आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। और अगर फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होती भी है तो उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये भी आज हम जानेंगे। तो गाइज, फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप जाते हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाकर आप सर्च करते हैं कि फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तब आपके सामने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो आते हैं, और आप क्या करते हैं ना, एक के बाद एक वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको किसी भी वीडियो में फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का कोई भी तरीका नहीं मिलता है, जिससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो गाइज, अगर आप भी अपना टाइम इसी तरह वेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले फोन पे का एप्लीकेशन ओपन कीजिए। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को अपने कमेंट का जवाब मिल सके, और आप लोगों का कीमती टाइम फालतू में यूट्यूब में फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट का वीडियो देखकर बर्बाद ना हो। तो गाइज, आप लोगों का काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करना है, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो सके कि फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होती है कि नहीं। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फोन पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होती भी है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आप फोन पे का एप्लीकेशन ओपन कीजिए। फोन पे का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे ऊपर में आपका कोना में एक क्वेश्चन मार्क का निशान है, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल में क्लिक कीजिए। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माई फोन पे प्रोफाइल में क्लिक कर देना है। माय फोन पे प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माय फोन पे अकाउंट डिटेल्स में क्लिक कर देना है। जैसे आप माय फोन पे अकाउंट डिटेल्स में क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में है चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स इन माय फोन पे अकाउंट, तो यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है हाउ डू आई डिलीट माई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिटेल्स ऑन फोन पे, तो यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर देना है। तो जब आप इसे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है एज पर RBI गाइडलाइंस फोन पे यूजर्स विल नॉट बी अलाउड टू डिलीट एनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिटेल्स फ्रॉम द ऐप। यानी कि यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि RBI के निर्देशों के अनुसार फोन पे यूजर्स को ऐप से किसी भी पुराने लेन देन की जानकारी को हटाने की अनुमति नहीं दी जाती है। गाइज, इसका मतलब ये है कि आप फोन पे की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को किसी भी तरीके से डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये RBI गाइडलाइंस के अनुसार आप फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को आपके कमेंट्स का जवाब मिल सके। तो गाइज, फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को तो आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप कुछ देर के लिए हाइड जरूर कर सकते। तो गाइज, इससे आपको कैसे हाइड करना है ना, आप तो आपको यहाँ पर फोन पे के होम स्क्रीन में आ जाना है, और होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे हिस्ट्री में क्लिक कर देना है, और हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका ऊपर में दिया हुआ है मंथ कैटेगरीज फिल्टर्स, तो गाइज यहाँ पर आपको कैटेगरीज में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कैटेगरीज में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शंस आता है। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी तक जितने भी मनी फोन पे से सेंड किए हैं वो यहाँ पर दिखाई ना पड़े, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मनी रिसिप्ट सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए आपने जितना भी अभी तक पैसा सेंड किए हैं वह यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ आपने जितना रिसीव किए हैं वही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कैटेगरीज में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप मर्चेंट पेमेंट में क्लिक करते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपने अभी तक जितना मर्चेंट पेमेंट किए हैं वही यहाँ पर आपको शो होंगे। तो गाइज, ये आप इसे कुछ देर के लिए हाइड कर सकते हैं, लेकिन फोन पे की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है और इससे आप परमानेंट हाइड भी नहीं कर सकते, और इससे आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो गाइज, फोन पे की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वह कभी डिलीट नहीं होती है। तो गाइज, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि फोन पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होती भी है या नहीं।